मैं हूँ नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। क्या आप बॉडी बनाना चाहते हैं? ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों में एक्ट्रेस की होती है, बिल्कुल बिंदास सिक्स पैक। एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए उस पर किया जाने वाला वर्कआउट सबसे ज्यादा काम आता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है सही टेक्निक का जानना। आप जब भी बॉडी बनाएं तो रातों रात होने वाले चमत्कार के बारे में ना सोचें। इसमें टाइम लगता है, इसके लिए आपको लगातार कोशिश करनी होगी और फोकस करना होगा। इसके लिए आपको 6 से 12 महीने तक काफी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद ही कोई फर्क नजर आएगा। हालांकि बॉडी बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसके बारे में सही जानकारी रखना और सुरक्षा नियमों को जानना, खासकर उस वक्त जब आपकी बॉडी में फैट हो और उसे कम करके आपको अपनी बॉडी को सही शेप देना हो। चलिए आज आपको बॉडी बनाने के लिए कुछ स्टेप बताते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर से मिलें, अपनी बॉडी की जांच करवाएं, बॉडी की जरूरत समझें और उसकी मेडिकल कंडीशन को जानें। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसके बाद अपनी बॉडी को बनाने के लिए एक अच्छे जिम को सिलेक्ट करें जहां आप ट्रेनर के अंडर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिम का माहौल, एनवायरमेंट और लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। भारी वजन को उठाने से पहले अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाएं। अपनी मांसपेशियों को चोट लगने से बचाएं। एक बार मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाती हैं तो उसके बाद दर्द नहीं होता और आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक बात आपको और बता दें, अगर आप जिम में कोई ट्रेनिंग पार्टनर बनाते हैं तो आपको अपनी बॉडी को बनाने में आराम मिलता है। आप अपने पार्टनर के साथ खुद को कंपेयर कर सकते हैं, और अगर आप अपनी बॉडी बनाने की शुरुआत कर रहे हैं तो अपनी बॉडी में होने वाले छोटे से छोटे चेंजेस को ध्यान में रखें। इससे आपको उसे आगे इम्प्रूव करने में आराम मिलेगा। अगर लगता है कि आपके शरीर को आराम चाहिए तो एक दिन का रेस्ट भी ले लें, लेकिन इसे रोज आराम न करने दें। वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। वर्कआउट सेशन में स्ट्रेचिंग जरूर करें, इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं और उनमें सूजन भी नहीं आती। इसके अलावा इससे बॉडी में लचीलापन भी आता है। एक्सरसाइज के दौरान सही समय पर सांस लेना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सांस को सही तरीके से लेने पर एक्सरसाइज में काफी फायदा मिलता है। साथ ही अच्छी नींद एक्सरसाइज के साथ साथ बेहद जरूरी होती है। 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, क्योंकि अच्छी नींद अच्छी बॉडी के लिए बेहद जरूरी होती है। एक्सरसाइज करने के बाद संतुलित डाइट जरूर लें, इससे बॉडी को पोषक तत्व पूरी तरह से मिलेंगे। शरीर में प्रोटीन की मात्रा काफी अच्छी होगी। किसी भी लिफ्ट को करने से पहले बॉडी को वार्म अप कर लें, इससे बॉडी पर अचानक से ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि वार्म अप करने से बॉडी में लचीलापन आता है। बॉडी बनाने के लिए ऐसा लक्ष्य बनाएं जो वाकई में पॉसिबल हो, क्योंकि ये कोई एक दिन या हफ्ते भर की बात तो है नहीं। सालों में आपकी बॉडी एक सही शेप में आ पाती है और उसे हमेशा मेंटेन भी करना होता है। हर दिन एक ही तरह के एक्सरसाइज ना करें, हर दिन कुछ नया ट्राई करें। इससे आपको अपनी बॉडी को हर तरीके से मजबूत बनाने में आसानी मिलेगी। एक्सरसाइज करते वक्त आप एक प्लान बना लें कि आपको अपनी बॉडी को ऐसा बनाना है। इससे आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन मेहनत करेंगे। जब भी लिफ्ट करें या फिर डंबल पर हो तो फ्री वेट का यूज करें, इससे आपकी बॉडी में और ज्यादा मजबूती आएगी। इसके साथ ही कुछ यौगिक अभ्यास जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, ब्रेंच प्रेस, मिलिट्री प्रेस और डंबल रो भी करें, इससे मांसपेशियों के फाइबर मजबूत होते हैं। हर दिन वजन थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं और बॉडी को इसकी आदत होने दें। जिम के साथ साथ अपनी बॉडी के पोस्चर पर भी ध्यान दें। ये जरूर जानें कि एक्सरसाइज करने के बाद से बॉडी में कितना फर्क आ गया है। वर्कआउट सेशन में भरपूर पानी पिएं, इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं होगी और थकान भी दूर भागेगी। अगर आपको कहीं चोट लगी है तो इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें, उस पर ध्यान दें, दवा लगाएं और दवा खाएं, और अगर आराम की जरूरत है तो आराम करें। अपनी बॉडी बनाने से पहले किसी बॉडी वाले को पसंद करें, उसे बेंचमार्क बनाएं कि उसके जैसा आप बनना चाहेंगे। इससे आपको एक स्टैंडर्ड समझ में आएगा कि आपको अपनी बॉडी कैसी बनानी है। उम्मीद करते हैं कि अगर आप बॉडी को फिट और टोन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारी बताई गई ये टिप्स आपके जरूर काम आएगी। फिलहाल इसी के साथ बोल्ड स्काई पर बस इतना ही।